अगली खबर में बात करते हैं रीवा की, जहां संयुक्त किसान मोर्चा संभाग इकाई रीवा ने जिले भर में धान खरीदी केंद्रों को यथावत किए जाने को लेकर कलेक्टर रीवा को ज्ञापन सौंपा है। मोर्चे के संयोजक शिव सिंह ने ज्ञापन के बिंदु को स्पष्ट करते हुए बताया कि खरीफ विपणन वर्ष 2022 एवं 23 में समर्थन मूल पर धान खरीदी का कार्य शासकीय मंडियों शासकीय समितियों से हटाकर प्राइवेट वेयर हाउस गोदामों पर किया गया है, जिससे किसानों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। अभी तक शासकीय मंडियों शासकीय समितियों से ही धान खरीदी की जाती थी, जहां पर ग्रामीण किसानों को सुरक्षा के साथ साथ स्थान छाया पानी सहित अन्य समस्त सुविधाएं प्राप्त होती थी तथा मंडी समितियां किसानों से कुछ शुल्क भी जमा करा लेती थी, जिससे मंडी समितियों को आर्थिक मजबूती मिलती थी। सरकार एवं जिला प्रशासन के ऐसे किसान विरोधी कदम से मंडियां कमजोर होगी, टूट जाएंगी और किसानों को आने वाले दिनों में कालाबाजारी का सामना करना पड़ेगा। वहीं धान खरीदी हेतु किसानों को सर्वर खराबी बताकर स्लॉट बुकिंग के नाम पर काफी परेशान किया जा रहा है तथा धान की फसल पैदा करने की लागत व परिश्रम को देखते हुए किसानों को बोनस के साथ साथ ग्राम बिहरा खैरा बहुरी बांध तिलखन सुमेदा सकरवट पेपर खरा सहित जिले भर के धान खरीदी केंद्रों को यथावत किए जाने की मांग की गई है। मोर्चे ने यह भी ऐलान किया है कि शीघ्र खरीदी केंद्रों को यथावत नहीं किया जाता तो जिले भर का किसान आंदोलन को मजबूर होगा। और किसान स्पष्ट रूप से पहले से भी गुहार लगा रहा है, ये जो मंडियों से ये हटाए जा रहे हैं केंद्र, ये मंडियों को तोड़ने की साजिश है, तो इस पर रोक लगाई जाए, अन्यथा पूरे जिले का किसान आंदोलन को मजबूर होगा। तो ये ज्ञापन हम दे रहे हैं, सारे केंद्र धावत किए जाएं, जो भी शासकीय समितियां हैं मंडी। लोगों ने खरीदी केंद्र के लिए आए हैं कि सभी खरीदी केंद्रों को मंडी में खरीदा जाए और जो वेयर हाउस की दलाली है वो बंद की जाए। इसके लिए किसान मोर्चा पहले भी लड़ाई लड़ चुका था कि हम किसी के वेयर हाउस में लेके नहीं जाएंगे और यदि ऐसा नहीं होता है तो कल से हम लोग कलेक्ट्रेट पर ही धान ले आकर के डाली ले आकर के और यहीं पे बिक्री करने का काम करेंगे, अन्यथा आज ये चेतावनी देने आए हैं हम लोग किसान पूरे रीवा जिले के हैं कि ये भ्रष्टाचार बंद किया जाए और मंडी में खरीदी की जाए। सरकार खरीदी केंद्र नहीं बदलना चाहती है बल्कि मंडी तोड़ने का षड्यंत्र रच रही है। पूरे जिले भर में तहसील स्तर पर सरकारी मंडियां हैं जहां किसानों के पैसे से मंडी का ढांचा खड़ा है। सारे किसान चाहते हैं कि ये खरीदी मंडी समिति के अंदर हो और जब किसान मंडी समिति के अंदर गल्ला ले जाता है तो पर्ची कटती है, मंडी समिति के खाते में जाती है। अब सरकार क्या कर रही है कि वेयर हाउस संचालकों के दबाव में आकर के और ये जो कृषि काले कानून वापस लेने के बाद भी वही कर रहे हैं कि वेयर हाउस संचालकों के जेब भरने के लिए मुनाफा पहुंचाने के लिए खरीदी केंद्र हटा करके वेयर हाउस के दरवाजे पर कर रहे हैं। धान खरीदी में अनियमितता को लेकर के कलेक्टर साहब को ज्ञापन संयुक्त किसान मोर्चे ने सौंपा है और किसानों की ये मांग है कि हमारे सारे केंद्र जहां से मंडियों से हटाए गए हैं शासकीय समितियों से हटाए गए हैं वहीं यथावत किया जाए। और ये बहुत बड़ी सरकार की साजिश है जो संयुक्त किसान मोर्चा पूरे देश के अंदर गुहार लगा रहा है कि मंडियों को तोड़ने की ये साजिश है, तो ये नहीं चलेगा और ये तत्काल केंद्र नहीं बदले गए तो बड़ा आंदोलन संयुक्त किसान मोर्चा करेगा। नमस्कार रीवा, मैं हूँ भानु पंडित और मैं हूँ अनीता भट्ट और हम आ रहे हैं आपके शहर रीवा 11 दिसंबर 2022 कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में एक सुरों की महफिल सजाने जिसका नाम है उड़ान शाम गजल, एक शाम सूफी संगीत के नाम में अपनी प्रस्तुति देने के लिए। तो हम चाहते हैं कि आप सभी आए वहाँ पे इस संगीत में शाम का हिस्सा बनने के लिए और हम दोनों स्पेशली थैंक्स बोलना चाहते हैं अभ्युदय उपकार फाउंडेशन की तरफ से अनामिका शुक्ला जी का जिन्होंने हमें रीवा शहर आमंत्रित किया। तो सी यू ऑल दैट।